नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। जब बात भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की होती है तो एक तरफ से सब कुछ ठहर सा जाता है। रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी के मायने इस मैच तक सिमटने लगते हैं। दोनों मुल्कों की आवाम सब कुछ भूलकर ऊपर वाले से अपनी टीम की जीत की दुआओं में जुट जाती है। उसे अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये है वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग। विश्व कप 2023 का 12वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा कल। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें तैयार हैं। भारत ने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, उसने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराया है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान ने भी दोनों मैच जीते हैं। अब मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। अब देखिए हमारे संवाददाता जतिन रावल की रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे। 14 अक्टूबर यानी कि कल भारत और पाकिस्तान का जो मैच है, हाई वोल्टेज मुकाबला, वो खेले जाने वाला है। उससे पहले अगले दिन की अगर बात करें, अगले दिन आप देख सकते हैं कि ये जो विराट कोहली का जो फैन है वो यहाँ पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू बेहरा है, मैं ओडिशा से आया हूँ। अच्छा, ओडिशा से आया। आपने अपने शरीर पर कितने टैटू बना रखे हैं? मेरे अभी शरीर में 16 टैटू हैं। 16 टैटू, यानी विराट कोहली के बड़े फैन है आप। विराट कोहली से आप कब मिले लास्ट? मैंने 2019 इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच था, तभी मिला था, अक्टूबर 1, 2019। अच्छा, टैटू आपने कब करवाए? मैंने 2012 से शुरू किया है। अच्छा, 2012 से शुरू किया। अभी और कितने टैटू बनवाने हैं? अभी फिलहाल 2019 के लोगो आने वाले हैं। अभी मेरा थोड़ा काम था इसलिए मैंने बनाए नहीं, आज बनाने वाला हूँ, तो उससे मिलके 17 हो जाएगा। अच्छा, भारत पाकिस्तान का मैच देखने आए, उसके समर्थन में आए भारत के, क्या लगता है कि भारत क्या रॉक करेगी? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा और विराट उसमें 100 मारेंगे। अच्छा, और विराट आपकी विकेट हुई अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाद में ऐसे बात करेंगे ऐसे। विराट के वो यहाँ पर पीछे भी आपने कुछ ये तो आपको सबको ही पता है, क्योंकि पैर बब्बू आर यू नो एवरी ग्रेट बॉल 20 ओवर्स ही विल के वन एन आर्मी विराट ही मेड रन इन 8 बॉल एस्पेक्ट ऑफ विराट द ब्रिटिश पेन इज विराट पीछे की तरफ जो है ये जो इंडिकेटर है, क्या कहना है? वी ऑल नो एवरीवन इज अंडरस्टूड दैट इज नाउ द वर्ल्ड बेटर इन द वर्ल्ड राइट। यानी कि ये देखे विराट कोहली के जो काफी सारे जो फैंस है वो यहाँ पर अभी स्टेडियम में जो है आज ही अगले दिन ही जो है यहाँ पर जो है वो पहुंच गए। कल भारत पाकिस्तान का जो सबसे हाई वोल्टेज जो मुकाबला है वो खेले जाना है, उसको लेकर प्रेक्षकों में एक काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन किशोर आठवले के साथ जतिन रावल, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। किस तरह से लोगों के बीच में उत्साह है आपने देखा। एक्सपर्ट्स की माने तो यहाँ की पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल वर्ल्ड कप 2023 में अब तक जितने मैदानों पर मैच खेले गए हैं उसमें सबसे ज्यादा टर्न अहमदाबाद की पिच पर देखने को मिला है। मोटेरा की पिच पर तेज गेंदबाजों का स्विंग ना के बराबर मिला है। धर्मशाला, दिल्ली और चेन्नई की पिचें तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रही हैं। अगर अहमदाबाद में स्पिन फ्रेंडली पिच हुई तो पाकिस्तान को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मनोज जोशी एडिटर स्पोर्ट्स है, राणा बाबर हयात वरिष्ठ खेल पत्रकार पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही मुंबई से हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी जुड़ गई हैं। सुजाता, सबसे पहले आपके पास ही आ जाती हूँ, जरा दिखाइए किस तरह का एक्साइटमेंट जो है वो लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि अहमदाबाद में जब ये मैच कल खेला जाएगा भारत पाकिस्तान, एक ऐसा मैच जब दोनों देशों के लोग जो है वो अपनी अपनी टीम के लिए प्रेयर करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल अनन्या, देखिए भारत बनाम पाकिस्तान और इसको लेकर जो है लोगों में उत्साह अभी से जो है वो काफी दिनों से एक्चुअली दिखता हुआ नजर आ रहा है। और मुंबई की खास तौर पर बात करें तो लोगों ने इतनी ज्यादा टिकट्स की बुकिंग जो है वो इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि अब रेलवे की तरफ ट्रेन चलाई जाने वाली है, रात 9:30 बजे स्पेशल ट्रेन सेंटर से चलाई जाएगी जो अहमदाबाद तक जाएगी, ताकि जो फैंस इतनी ज्यादा संख्या में है वो आराम से जा सके बिना किसी हर्डल के और जाकर मैच का लुत्फ उठा सके। इसी के साथ कई ठिकानों पर जो है इसी प्रकार से जो है बड़े स्क्रीन्स लगाए गए हैं, लोगों के प्लान्स ऑलरेडी सेट हो चुके हैं कि कल के दिन उनका पूरा दिन जो है भारत बना।
शिवाजी पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर अक्सर जो है कई दिग्गज क्रिकेटर यहाँ पर आकर प्रैक्टिस किए हैं और यही से इसी मिट्टी में खेलकर जो है आज वो भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एक पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, जो कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रही थी। इनके कोच से सबसे पहले जान लेते हैं, सर आपका नाम क्या है? सचिन सावंत। सचिन जी, कल मैच खेला जाने वाला है, उत्साह काफी ज्यादा है लोगों में, और खासतौर पर आप एक कोच होने के नाते आप अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से जो है इन पूरे मैच के बारे में क्या आप लोग की राय है? नहीं, सिंपल है, एक बड़ा गेम है, अगर वर्ल्ड कप बोले तो बहुत बड़ा गेम है ये, और उसमें इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच है तो ज़्यादा वॉल्यूम है उसमें और बड़ा है वो। मैं एक्चुअली प्लेयर से हम लोग यही कहते हैं कि जो भी बाकी की चीज़ें हैं उसे छोड़ के एक्चुअली क्रिकेट का जो बेसिक है, जो आज बड़े बड़े प्लेयर खेलते हैं, जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर वो लोग कैसे हैंडल करते हैं, हाँ ये ज़रूरी है। उसके बाद प्रेशर हैंडल करके फिर उसको सर्वाइव करना है, गेम को आगे लेके कैसे जाते हैं, जो अलग अलग पैचेस रहते हैं बॉलिंग फील्डिंग बैटिंग, उसमें वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे अपना हाँ आते हैं बिल्कुल। और जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, उसको लेकर हाल ही के कुछ गेम्स में काफ़ी ज़्यादा सराहाया भी गया था, इस बार की कैप्टनसी में आपको क्या लगता है कि इस इतने बड़े मुकाबले में क्या वो इससे जो है इसमें खुद को रोशन कर पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, फॉर्म में भी है वो और अच्छे से लीड कर रहे हैं, मगर एक मैं आप फिर से बोलता हूँ कि अगर मैच है वो भी वर्ल्ड कप का है और ऊपर से इंडिया पाकिस्तान, तो अलग प्रेशर रहता है, उस प्रेशर को मैं सर्वाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मगर वो लोग उसको मैनेज करते हैं अच्छे से, इतना प्रैक्टिस करते हैं वो लोग तो थोड़ा फिजिकली मेंटली। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बैट लेकर जो है एकदम तैयार नजर आ रहे हैं और स्माइल जो है इनकी शक्ल पर काफी ज्यादा खिल रही है, भारत को सपोर्ट करते हुए। आप क्या बोलेंगे? सुजाता, मैं आपके पास आऊंगी। साफ तौर पर लोगों में जो क्रिकेट के फैंस है उनमें एक्साइटमेंट नजर आ रहा है, लेकिन सीधे हम जतिन रावल के पास आपको ले चलते हैं, अहमदाबाद में वो इस वक्त मौजूद है। जतिन, क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं? अब ये कहा जा सकता है बस कुछ ही देर का इंतजार, वो मैच जिसका दोनों देश की जनता जो है बेसब्री से इंतजार करती है, और मुझे लगता है कि सैटरडे का दिन सभी ने लॉक कर दिया है, वीकेंड का है और सब घर में बैठ के मैच देखेंगे। सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं कि कल यानी कि 14 अक्टूबर को जो भारत पाकिस्तान यानी कि वर्ल्ड कप 2023 का जो सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला जिसको कहा जाएगा, वो मैच जो है वो कल यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाली है, उसको लेकर क्रिकेट फैंस में एक अनोखा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लोग आप देख सकते हैं पूरे अपने शरीर को जो है तिरंगे में से लहरा, तिरंगा अपने शरीर पर बनाए हुए लोग जो है यहाँ पर आए, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण हरियाणी है, मैं अहमदाबाद गुजरात से ही हूँ। अच्छा अरुण, भारत पाकिस्तान की मैच है, सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला इसको कहा जाता है वर्ल्ड कप 2023 का, क्या कहना चाहते हैं इस मैच के बारे में और किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा कल अच्छा रहेगा? जबरदस्त, सब जो हमारी टीम है जबरदस्त फॉर्म में, आपने एशिया कप में देखा होगा, यहाँ एशिया कप हमने जीता था, एशिया कप में जो मैच जीता था वही मैच आपको कल देखने मिलेगा। तो एशिया कप में जैसे जैसे हमारे खिलाड़ी जितने फॉर्म, सभी खिलाड़ी फॉर्म में, और कल जो विराट कोहली की आप सेंचुरी देखेंगे, और विराट कोहली से ही जो पाकिस्तान जो टीम है वो विराट कोहली से ही डरती रहती है, और विराट कोहली आपको कल सेंचुरी मार के दिखाएगा, और जो हमारे बॉलर है जबरदस्त बुमराह है, जबरदस्त मोहम्मद सिराज है, आप देखते हो जबरदस्त पूरी टीम जबरदस्त फॉर्म में चल रही, और मैं यहाँ से तीन दिन से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, यहाँ पर जो उत्साह है जबरदस्त उत्साह है, मैं यहाँ पर एक दिन पहले कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, मैं जब भी मैच होता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हर मैच में आता हूँ, और ऐसा एक दिन जो पहले जो उत्साह होता है यहाँ पर जो मैच होती है, यानी जो उत्साह है ऐसा लगता है गुजरात में एक कोई नया त्यौहार आ गया है।